बोला कि नहीं, हम लगाना लोग नहीं चाहिए। गेम छोड़ के क्यों जाए, हम लोग क्रिकेट से रेस्पेक्ट करते हैं, क्रिकेट को हम गेम छोड़ के नहीं जाएंगे, आप लोग ही इन लोगों को बाहर कर सकते हैं, हम लोग तो गेम की छोड़ के नहीं जाएंगे, बोल के बोल। हाय सिराज, हेलो, दिस साइड सिराज, आई एम सरताज फ्रॉम आई न्यूज। सो ऑल दिस सीरियस क्वेश्चंस अपार्ट, लेट मी आस्क अ फनी क्वेश्चन। सो यू हैव टेकन 13 विकेट्स, राइट? हुज विकेट वाज योर फेवरेट एंड व्हाई? माय फेवरेट विकेट इज मानस लभूषण। फेवरेट विकेट तो मानस लभूषण की, क्योंकि जो वो सिचुएशन पे विकेट होना इम्पोर्टेंट था और मैं वो सिचुएशन पे ओवर में 2 विकेट लिया, सबसे इम्पोर्टेंट था मेरे मानस लभूषण की। सिराज, सिराज इधर, सिराज एक, आपका जो प्रीवियस ये टेस्ट सीरीज से पहले 3 वनडे और जो T20 का जो लिमिटेड ओवर्स का जो था वो उतना ग्रेट नहीं रहा आपका परफॉर्मेंस, अदरवाइज IPL को छोड़ दो, मतलब कंपेरेटिवली अभी जो फर्स्ट टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा निकली आपकी, हाईएस्ट विकेट 13, बेस्ट बॉलिंग चली, वाइफर मिला सब कुछ। आपका जो प्रीवियस देखा गया तो आप सूट रेड बॉल के लिए ज़्यादा सूट करते थे, आप क्या समझते हैं कंपेरेटिवली लिमिटेड ओवर्स से आप इसमें बेस्ट हो गए रेड बॉल क्रिकेट के लिए, आप ए सीरीज या एवरीथिंग वॉट एवर, अभी जो माइक, अभी आप माइक ले लो। पहले तो मैं वाइट बॉल, जब मेरा डेब्यू हुआ था मैं ज़्यादा प्रेशर ले लेता था और नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होती थी, तो अब जैसे जैसे मैं मैचेस खेलने गया तो मुझे एक्सपीरियंस भी शेयर हो रहा IPL से, और जैसे RCB ने मुझे बैक किया ये सिचुएशन पे जो मेरा इतना ख़राब सीज़न चल रहा था मेरा, और जो RCB ने मुझे ट्रस्ट दिखाया और विराट भाई ने जो बैक किया है मुझे, वो मेरे लिए कॉन्फिडेंट की बात थी। और वाइट बॉल क्रिकेट में मतलब बॉलर की चांसेस बहुत रेयर रहते हैं T20 में, तो मुझे हेल्पफुल हुआ ये T20 में, जैसे IPL में अच्छा परफॉर्मेंस गया, वो इट्स कॉन्फिडेंट की बात। जैसा हम लोग के अब मेन बॉलर बुमराह भाई थे तो वो ही मुझे अदर एंड से सपोर्ट करते थे, मतलब जब मैं 2 मैच उनके साथ खेला तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, हर बॉल टू बॉल बोल रहे थे कि ज़्यादा ट्राई नहीं एक जगह रखने के लिए बोल रहे थे। फिर उसके बाद मेरा एक स्पेल ख़राब हुआ 3rd इनिंग 4th टेस्ट में, तो बुमराह भाई बोल रहे थे ज़्यादा सोच मत, एक स्पेल गया अब भाई का सोच, जो करना है वो कर, बट भाई आगे का सोच, ये हो गया नेक्स्ट का सोच। यस सर, हेलो, नहीं बुमराह भाई से तो बात नहीं हुई, मैं बस जाके उनको हक करा, बस दिल से ऐसा आया हक करा उनको। हाँ सिराज, 2 सवाल हैं, अभी नेक्स्ट सीरीज आने वाला, उसको लेके कुछ खास प्लानिंग है? और विराट, VK भाई, हम पिछले 2 दिनों से आपके फ्रेंड सर्कल से आपके भाई से बात कर रहे हैं, बार बार ये हो रहा है कि VK भाई का बहुत बड़ा रोल रहा है आपके इस करियर में, VK भाई के बारे बताइए, इस सीरीज में उनसे बात हुई है उसका, उसको लेके कोई बात हुई उनसे सीरीज की जीत के बाद, और आगे की क्या प्लानिंग है? पहले तो RCB ने मुझे बैक किया जो मेरा इतना ख़राब सीज़न गया था 2018 में, तो RCB ने बैक किया और मुझे रिटर्न किया। विराट भाई मुझे हमेशा बैक करते हैं कि तुझ में है दम, तू कर सकता है, बस कर, ज़्यादा सोच मत कि मेरे से ये नहीं होगा, ये ज़्यादा प्रेशर मत ले, बस जो है वो करते जा, बस यही साल में वही सोचा और वही किया, ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया, नर्वसनेस भी नहीं हुआ था ज़्यादा। हेलो भैया, आपकी नेक्स्ट सीरीज इंग्लैंड से है, उसमें क्या तैयारी करें आप? अभी तो घर आया हूँ नेक्स्ट सीरीज के लिए, जैसा ये परफॉर्मेंस हुआ कॉन्फिडेंट की बात है, वही कॉन्फिडेंट नेक्स्ट सीरीज के लिए भी लेके जाऊँ। आप